सो हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। तो कैंटो रीजन में टोटल 151 पोकेमॉन्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया था और आज हम उन सारे पोकेमॉन्स के बारे में फैक्ट देखने वाले हैं, यानी कि आज हम हर एक कैंटो पोकेमॉन के बारे में फैक्ट देखेंगे। तो हाँ यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले इतने सारे फैक्ट ढूंढने में एंड इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है, तो हाँ उसके लिए वीडियो को लाइक करना मत भूलना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर देना। एंड अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। फैक्ट नंबर वन, क्या आपको पता है बल्बस और राउलेट के साथ एक लौता ऐसा स्टार्टर पोकेमोन है जिसके पास फर्स्ट स्टेज में ही दो टाइपिंग्स होती है। फैक्ट नंबर टू, आईविसोर को अभी तक पोकेमोन एनीमे में एक भी बैटल हारते हुए नहीं दिखाया गया है। फैक्ट नंबर थ्री, क्या आपको पता है विनोसोर और ट्रोफियस का हाइट, वेट और एग्रोप सब कुछ सेम है और साथ में उनकी एक टाइपिंग ग्रास टाइप भी है। फैक्ट नंबर फोर, क्या आपको पता है चार्मेंडर के बैक साइड पे पहले इस तरह की स्पाइक्स होने वाली थी। फैक्ट नंबर फाइव, 4 मिलियन पोकेडेक्स का सबसे पहला ऐसा पोकेमोन है जिसको इवॉल्व होने के बाद नई टाइपिंग मिलती है। फैक्ट नंबर सिक्स, ओरिजिनल जैपनीज एनीमे में चार्जार्ड सबसे पहला पोकेमोन था जो कि एनीमे के अंदर अपीयर हुआ था। फैक्ट नंबर सेवन, क्या आपको पता है बाकी कैंटो स्टार्टर्स के मुकाबले ज्यादातर मेन कैरेक्टर्स कॉटल को यूज करते हैं। फैक्ट नंबर एट, क्या आपको पता है वॉर टर्टल के ओरिजिनल डिजाइन में उसके फेस और ईयर्स का कलर बिल्कुल सेम था। फैक्ट नंबर नाइन, क्या आपको पता है ब्लास्टोइस इकलौता ऐसा स्टार्टर पोकेमोन है जिसके पास मेगा इवॉल्व होने के बाद सिंगल टाइपिंग रहती है। फैक्ट नंबर टेन, पोकेमोन एनीमे में कैटरपी सबसे पहला पोकेमोन था जिसको किसी ने कैच किया था या फिर इवॉल्व किया था।